जहाँ से मैं हूँ वहाँ से मैं लिटरली वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड देख सकती हूँ, पाकिस्तान का फ्लैग देख सकती हूँ, और जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं दैट इज़ लिटरली द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। वेलकम टू करतारपुर कॉरिडोर। का दिन थोड़ा स्पेशल है। वैसे आप वो मेरा पंजाबी लुक देखकर तो समझ ही गए होंगे, बट खास बात ये है कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, वो भी बिना वीजा के। कंफ्यूज? कोई बात नहीं, सब बताती हूँ, जॉइन मी। सुबह सुबह सरसों के खेत देखने मिल जाए तो क्या बात है। आज मैं जहाँ जा रही हूँ उस जगह का नाम है करतारपुर, और वहाँ से एक बहुत ही स्पेशल जगह है जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब, जो है पाकिस्तान में। वैसे ये इंडिया के बहुत करीब है, आप उसे देख सकते हैं, पर वहाँ जाना अब तक पॉसिबल नहीं था अंटिल 2019। पर अब करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू आप पाकिस्तान जा सकते हैं एक डे ट्रिप के लिए, और यही सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन दिस वीडियो। एक्चुअली करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है अमृतसर से अबाउट 50 किलोमीटर दूर। अब इस जगह की खास बात यह है कि टर्मिनल की उस तरफ है पाकिस्तान, जहां है वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। अब वहां जाने के लिए पहले इंडियंस को लाहौर के थ्रू 125 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, या फिर आप डेरा बाबा नानक से सिर्फ उस गुरुद्वारे की झलक पा सकते थे। बट थैंक्स टू करतारपुर कॉरिडोर ये रास्ता अब छोटा हो चुका है टू ओनली 4.5 किलोमीटर्स, और अब सरहद पार कर अपना माथा टेक सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, बताती हूँ कैसे होगा ये सब। जाने से पहले ही आप गुरबानी पढ़ सकते हैं जो बाहर ग्रेनाइट स्लैब्स में लिखी हुई है, ना सिर्फ पंजाबी में बट आल्सो इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए आपको अपने डेट ऑफ ट्रैवल से 20 दिन पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, जिसकी पूरी तरह से एक वेरिफिकेशन होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और ये सब अगर ठीक हो तो आपकी डेट ऑफ ट्रैवल से 2 या 4 दिन पहले आपको एक ETA मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, और उसमें आपका स्टेटस लिखा होगा वेदर इट इज़ कन्फर्म्ड और नॉट कन्फर्म्ड। आप तभी यहाँ आ सकते हैं अगर आपका स्टेटस कन्फर्म्ड होगा, और यही दो डॉक्यूमेंट्स आपने लाने हैं, पासपोर्ट और ETA। यहाँ आपको हर जगह गुरु नानक जी की फोटोज, उनकी कही हुई बातें, उपदेश, सारा कुछ यहाँ आपको दीवारों पे लगा हुआ दिखेगा। वेल, करतारपुर कॉरिडोर से आप सिर्फ एक ही दिन के लिए जा सकते हैं, एंड द वेट दैट यू कैरी शुड नॉट बी मोर देन 7 किलोज। कुछ खाने पीने का सामान आप लेकर जा सकते हैं, या अगर कोई चीज़ आप वहाँ पर लंगर में देना चाहते हैं तो वो आप लेकर जा सकते हैं। टिप हियर, आप पराठे इंडिया में बनाएं और जाकर पाकिस्तान में खाएं, और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये है करतारपुर साहिब कॉरिडोर का एरियल व्यू, सो टू से मॉडल, और आप यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं डेरा बाबा नानक, वहाँ से जो रास्ता बना है टर्मिनल की ओर, जिसे पार कर आप उस तरफ जा सकते हैं सरहद के उस पार, टू बी प्रिसाइज, विच इज़ पाकिस्तान। यू कैन सी अ मेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, देर इज़ रावी रिवर, और वहीं बहुत ही खूबसूरत रावी रिवर के पास है करतारपुर साहिब। वेल, सो दिस इज़ कॉल्ड द PTB, विच इज़ द पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। यहाँ पर वेटिंग एरिया है, ऑफकोर्स देयर इज सिक्योरिटी, देयर आर इमिग्रेशन सेंटर्स, 52 ऑफ दोज, 25 अराइवल के लिए हैं, 25 डिपार्चर के लिए है। ये बात याद रखें कि इंडिया से यहाँ लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, बट पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ सकते। यहाँ दिन में आप सिर्फ 7 kgs लेकर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं वेट लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर कस्टम्स भी है, जिसमें आप सिर्फ 11,000 रुपये तक ही लेकर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। दोबारा आपकी बैग्स चेक होंगी, सिर्फ खाने पीने का सामान अलाउड है, एक आध अगर आपको कपड़े या कोई जैकेट लेकर जाना है तो वो अलाउड है, रह नहीं सकते आप,
सनसेट से पहले आपको वापस आना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सफर। This facility can easily take up to 5,000 passengers every day. पर अगर कोई special occasion हो, गुरुपूरब हो या बैसाखी हो, 10,000 तक लोग भी जा सकते हैं। But that's the maximum limit. 8 बजे से जो शुरू होता है ये, आप 3 बजे तक last यहाँ पे departure कर सकते हैं। पर आपको वापस आने के लिए before the sun sets you have to return. फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क खत्म करने के बाद अब वक्त आ चुका है टू हेड टू पाकिस्तान, मोर इम्पॉर्टेंटली टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। पर उससे पहले हम जाएंगे जीरो लाइन की तरफ, विच इज लिटरली द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन अ गोल्फ कार। काफी एक्साइटिंग सा लग रहा है ये, लेट्स गो। असी तकरीबन 9:30 बजे इथों एंट्री की पाकिस्तान में, और जो असी उधर एंट्री की और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। सिख इतिहास में तकरीबन 20 साल श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे खेती की, तो गुरबाणी के भी फरमान है, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पए हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए। वो जो गुरु के फरमान है वो अंदरों महसूस किए जाने तो सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगा, इधर के लोग भी बहुत प्यारे हैं, अच्छा डील किया, उधर जाके भी बहुत अच्छे लोग मिले। सोचते थे कि कैसे जाएं, क्योंकि कुछ पाबंदियाँ थी, नहीं जा सकते थे। अभी अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिया, अच्छी तरह से जा सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक गोल्फ कार्ट में पाकिस्तान जाऊंगी। कैन यू बिलीव इट, लेट्स गो। चलिए गेट की उस तरफ इज पाकिस्तान। आई कैन लिटरली सी वेलकम टू पाकिस्तान बोर्ड फ्रॉम राइट हियर। वाओ, सो दिस वाज द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल ट्रिप एवर।